Hello everybody, this is Khushi Singla and you are watching on my CSP Institute channel. I shall be working with you in this course, that is Digital Electronics. Or in some universities, it is also known as DSD. Digital System Design. So in our very first lecture, it is going to be our introductory lecture. So in introductory lecture, we shall cover few basic things. Why we are going to learn digital electronics, why digital or what is digital. Okay. So before going to these terms, I just want to discuss with you one thing, that is why electronics are important for CS graduates. Like I'm also a CS graduate, so when I'm learning CS and electronics came in my course, I wondered why I'm going to learn this. It is a subject of electrical student, right? EE or ECE. So why I'm going to learn this? My subjects are C, Java, C++, HTML. Okay. But I want to clear you one thing. That is, both CSC and ECE are related, and indeed both have a good future. Okay, so why electronics is important in computer science, hamara main question ye tha. So bahut sare reasons ki wajah se computer science ke world mein aaj electronics bahut zaruri ho chuka hai. सबसे पहला रीज़न अगर मैं इसी चीज़ की बात करूं, तो सबसे पहला रीज़न क्यों ज़रूरी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मदद करता है कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंटिस्ट की. अब किस चीज़ में? बिल्ड करने में, बिल्ड फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स. सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स मदद करता है कंप्यूटर साइंटिस्ट की क्रिएट करने में स्मॉलर एंड मोर पोर्टेबल डिवाइसेस. नाउ यू आर वॉन्डरिंग व्हाट इज दिस, मतलब क्रिएट स्मॉलर, स्मॉल कैसे कर देगा भाई, छोटा कैसे कर देगा? तो इसका मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ. हमारे घर में वॉल क्लॉक होती थी, वो टाइम शो कर रही होती थी कुछ ना कुछ, राइट? आज के टाइम में क्या हुआ, डिजिटल क्लॉक्स आने लगी हैं जिसमें हमें टाइम भी दिख जाता है, टाइमिंग के साथ साथ हमें और क्या दिखता है उसमें, डिजिटल क्लॉक में टाइमिंग के साथ साथ आजकल हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप पर डे चले हैं वो भी दिख जाता है, और बहुत सारी फंक्शनिंग के साथ आने लग गए. छोटा डिवाइस फंक्शनिंग ज़्यादा, बड़ा डिवाइस फंक्शनिंग उतनी ही कम. समझ में आया? हम छोटे डिवाइसेस को क्रिएट कर पाते हैं और पोर्टेबल डिवाइसेस को भी उसी के साथ. एंड और क्यों ज़रूरी होते हैं ये? मदद करते हैं जिससे कि कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रिएट कर सके न्यू एंड इनोवेटिव devices and application. क्योंकि हमें पता है अब हमारे पास पहले ये वाला ऑब्जेक्ट था, उसमें हार्ड मेरा प्रोग्राम ये था, मेरा सॉफ्टवेयर ये था, मेरा हार्डवेयर पार्ट ये था, मुझे उसके बारे में पता है, तो अब मैं सोच सकती हूँ कि मैं इसे और एफिशिएंट कैसे ला सकती हूँ. तो ये इसलिए हमारी हेल्प करता है इनोवेटिव और न्यू डिवाइसेस और एप्लीकेशन को बनाने में. ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत? इवन जो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो
बहुत ही वाइड रेंज है, मतलब लिटरली बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, रिटेल हुआ, हर एक जगह हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है। एंड सिमिलरली जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है। जो इलेक्ट्रॉनिक का रिवॉल्यूशन आया है, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस का जो भी रिवॉल्यूशन आया है, डैट वॉज इंडीड गिव अस अ एक्सीलेंट फ्यूचर। सो देर इज अ ग्रेट सेइंग ऑफ एन लाइक वी कैन से साइंटिस्ट हुज नेम इज एलन के। ही यूज टू से पीपल हु आर रियली सीरियस अबाउट सॉफ्टवेयर शुड मेक देयर ऑन हार्डवेयर। जो भी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने सॉफ्टवेयर को लेके, जिनके पास आइडिया है, उसे लिखना आता है, उसे प्रोग्रामाइज करना आता है, उन्हें अपना हार्डवेयर खुद ही बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कल को तुम्हें, मान लो आज तुमने एक हार्डवेयर क्रिएट, आज तुमने, तुम्हारे पास एक माइंडसेट है, तुमने सॉफ्टवेयर है, एंड दैट वाज अ ग्रेट आइडिया इंडीड, तो तुमने किसी को अपॉइंट करा उसके हार्डवेयर के लिए। कल को तुम्हें उसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर रहा है, मीट नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि 2 या 3 बार तो वो ही अच्छे से काम कर दे, पर लेकिन फोर्थ या फिफ्थ टाइम में वो एक बहुत ज़्यादा मनी डिमांड कर रहा हो। इसलिए हमें हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, सो डेट कल को अगर मेरे पास कोई भी आइडिया हुआ और मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी हुई, तो मैं किसी के पास ना जा सकूँ। ठीक है, मुझे बेसिक पता हो, मेरा कॉस्ट ज़्यादा ना आ रहा हो। ओके, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है। शायद अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कंप्यूटर साइंस वालों को कि हम क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, और वो अच्छे से इस कोर्स में पूरा पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैंने भी गलती करी थी कि मैं क्यों पढ़ूँ, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, मैं क्यों कंप्यूटर साइंस की होके ये पढ़ूँ। नहीं, बट ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक सिंपल बात करें, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे हमारा कंप्यूटर साइंस हो, मतलब चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर, दोनों में हमें लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, और लॉजिक ही है जो कि कोर स्किल होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की। ओके, तो चाहे तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, और वो तुम्हारा कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगा। तो इस बात का तो सोचना ही मत कि ये मेरा कहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल व्हाट दिस कोर्स प्रोवाइड टू अस। दिस कोर्स प्रोवाइड अस इन डेप्थ नॉलेज, एंड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ व्हाट, राइट? ऑफ स्विचिंग थ्योरी एंड लॉजिक डिजाइन टेक्निक्स। ओके, एंड नाउ यू आर वंडरिंग व्हाट वर दैट, वी आर गोइंग टू सी इन द लेक्चर्स। ओके, सो द ऑब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? दिस इज आवर कोर्स ना। सो व्हाट आर इज इट्स ऑब्जेक्टिव, why we learn this, and what we are going to learn in this course. So the course objective are to learn basic technique for the design of digital circuits and fundamental concept used in making these circuit and fundamental concept used. Okay, second, to understand common forms of number representation. What does it mean?
Like you know, not there are many number system in our binary, like binary, octal, duodecimal, hexadecimal. So what we are going to learn in this particular topic, we are going to learn common forms of number representation and their conversion. How can I convert binary to octal, octal to binary, or in any form? Okay, and we will also going to learn to implement simple logical operations. Simple logical operations using combinational logic circuit. Okay. And after that, wait a minute, just me. Okay. Now you can get what. Okay. And after that, what we learn? How to design combinational circuit. Design combinational logic circuits like sequential logic circuit. So you are like, what are these combinational logic circuits, sequential logic circuits? How we can implement simple logic operation using combinational? Don't think too much. We are going to see in this as we deep dive into our course. Okay. So you all will get familiar with these terms and they are literally very easy. I'm going to do them with you and you will be like, wow, that was so simple. I didn't think about that time. You're going to say this, okay? So yeah, even after that we will be going to learn synchronous machines. What are these synchronous machines? Okay, using flip-flop, all we see this material. Okay, so let's do a little bit more, not too much. Okay, since the term is so much used, so often used at digital everywhere, we are seeing like digital clock, digital thermometer, digital watch, everywhere. Now everything become digital. Okay, what exactly we mean by digital? This is the question. Okay, exactly mean by digital? So first thing that you need to know, what is signals? Before learning what is digital, we are going to see what is digital signals, and before that we learn what is signal. Ki signal kya hai? Hum bilkul basic se start karenge, to bilkul mat sochna. Ab dekho, signal kya hai? Signal is a function. A signal is a function that represent variation of physical quantity with respect to any parameter. हम पैरामीटर्स में किस किस की बात कर रहे होंगे, लाइक टाइम हुआ, डिस्टेंस हुआ. ओके, तो क्या कह रहे हैं, सिग्नल एक फंक्शन है. अब हमारा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कुछ हमारे ऐसे होते हैं, जैसे लेट से मैं एक एग्जांपल के ले लेती हूँ, राइट, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन. वेरिएशन मतलब चेंज होना. किसमें? एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होना किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और पैरामीटर हमारे क्या है? टाइम एंड डिस्टेंस. ओके, अब जैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मान लो लेट्स से इसका ग्राफ कुछ ऐसे है कि ये हमारा कुछ ऐसे, मान लो कोई
डिमांड दे रखी है कि किस टाइम क्या डिमांड है किसी ऑब्जेक्ट की, पहले ऐसे बढ़ी और फिर घट गई ऐसे करके, ठीक है। तो दो क्वांटिटीज़ हैं ए और, उनकी हमें बता रखा है। तो सिमिलर उसी वजह से अब हमने देखा ना, लाइक इधर टाइम ले लो, तुम टाइम ले रहे हो, इधर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हुआ, आपने इतनी कवर करी पहले फिर इतनी कवर करी, तो हमें ये क्या दिखाता है, हमें ये वेरिएशन दिखाता है। और लाइक अब आपको तो पता ही है हमारा कैसा ग्राफ है, पैराबोला ग्राफ है। तो हमने पढ़ रखा है ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ये डिपेंड करता है या ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो है या वरना ए लेस देन ज़ीरो है। अगर ए लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, राइट। ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, ये ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ओके। दीज ऑल आर थिंग्स। अब देखो जैसे हमने पढ़ा, सिग्नल एक फंक्शन होता है जो कि वेरिएशन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि टाइम हो या डिस्टेंस हो। अब हम यहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, यूजली वो वेरिएशन होता है। किसका? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, करंट होता है या वोल्टेज होता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतने समझ में आया, सिग्नल समझ में आया, सिग्नल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक में बात करें, सिग्नल क्या होता है, वो वेरिएशन होता है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का जो कि जनरली करंट होता है वरना वोल्टेज होता है टाइम के साथ। फर्दर हमारे बहुत बेसिक बेसिक कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि हमारे एक होती है एनालॉग सिग्नल जो कि हमारा पहले था। लाइक हम आप लोगों ने वॉच देखी है जो लगी रहती है जिसमें ऐसे टाइम आ रहा होता है, आर सेकेंड, सॉरी आर मिनट सेकेंड, राइट। तो अब क्या होता है इस वॉच में, इस वॉच में ये हर एक वैल्यू ले सकती है ना, विद इन लिमिट, जो भी इसकी लिमिट होगी ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, टेक एनी वैल्यू, तो उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, जिसमें लिमिट के बीच में वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। पर लेकिन अगर मैं यहीं डिजिटल की बात करूं, अब जैसे डिजिटल क्लॉक का एग्जांपल देखते हैं, डिजिटल क्लॉक हमारी ये कैसे आने लग गई है, आर मिनट, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें सर्टेन लेवल ही ले सकती हैं, ओके। तो वो क्या हो गया हमारा डिजिटल। अब एक चीज आती है हमारी, डिजिटल सिग्नल पे हम जाएं उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइंड करते हैं किसके लिए, डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ओके। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं अपने डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब हमें मैग्नीट्यूड को डिस्क्रीटाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें किसको करना है, टाइम को डिस्क्रीट करना है। अब लेट से, अब देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, से ये मेरे पास कोई ग्राफ है और यहाँ पे मैं अपना टाइम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये टी नॉट था, ये टी वन हो गया, देन ये टी टू हो गया और ये टी थ्री हो गया, ये टी फोर हो गया, ठीक है, ये कुछ इस तरह करके टाइम है, ऐसे ले लो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर एंड टी फाइव, ओके। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है जैसे कि लेट्स से 20, 25, 30, 34, ओके।
अब क्या हुआ, 20 के करस्पॉन्डिंग मेरी ये वैल्यू है, T1 है, 25 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, 30 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है मेरी, एंड 34 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। समझ आ रहा है ना ये क्या है? ओके, ये वैल्यू है। तो अब क्या हुआ, T1 पे 20 वैल्यू होना, T2 पे हमारी 25 वैल्यू होना, T3 पे हमारी 30 वैल्यू होना, T4 पे हमारी 34 वैल्यू होना। लेट से इधर कोई वैल्यू है 27 ले लेते हैं, और वो है करस्पॉन्डिंग टू दिस, और ये आगे जा रही है। ठीक है, लेट से ले लेते हैं हम। थोड़ा अगर आपको समझना है क्या कर दिया, तो ये लो हटा दिया ये। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, ऐसे हो रहा होगा 27 पे ये आ रही होगी और 34 पे ये आ रही होगी। तो अब T1 के करस्पॉन्डिंग 20 रहना, T2 के करस्पॉन्डिंग 25 रहना, T3 के करस्पॉन्डिंग 30, T4 के 27, लेट से जो भी है, T5 के हमारे क्या रहना, 34। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। पर्टिकुलर टाइम पे जो भी हमारा टेम्परेचर है, या वरना जो भी हमारा मैग्नीट्यूड है, वही रहना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, अब इसी में मैं बात करूँ कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो क्या होता है भाई, ये तो बता दिया। डिस्क्रीट में, डिजिटल में, डिजिटल टाइम सिग्नल में हमें मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्रीटाइज करने की ज़रूरत होती है। इसमें हमें मैग्नीट्यूड को डिस्क्रीटाइज नहीं करना होता है, इसमें बस हमें इंटरवल ऑफ टाइम को डिस्क्रीट करना होता है। बट जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड को भी मैग्नीट्यूड एंड टाइम दोनों को हमें क्या करने की ज़रूरत है, डिस्क्रीटाइज। ओके, अब जैसे लेट से मेरा इधर कोई वैल्यू होती 17, ठीक है, तो हम कैसे चालू कर रहे थे, 0। हम इंटरवल्स में ला रहे होते इसे, कैसे इंटरवल्स में, ये देते हैं, जैसे अभी इधर 20 है, 20, लाइक मैं एक पहले 10 लिया थी, 10, 0 के बाद 10, 20, 30, 40, ऐसे करके। ओके, अब हम लोएस्ट देखते, लाइक अगर मैं 17 का देख रही होती तो मेरा क्या आ रहा होता, 10। अगर मैं 20 का देख रही होती तो 20, 25 का देख रही होती तो भी क्या आ रहा होता, 20, 27 का गलती भी तो क्या आता, 20, अगर 30 का कर रही होती 30 आता, अगर 34 का कर रही होती तो 30 आता, लेट से 42 होता, 42 का कर रही होती तो 40 आता है। इसका मतलब लोअर वैल्यू आएगी, जैसे अब 17 डिग्री सेल्सियस था, तो 17 डिग्री सेल्सियस किस किस चीज़ के बीच में लाई कर रहा था, 10 से 20 के बीच में लाई कर रहा था, तो हम लोअर वैल्यू लेंगे 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा T1 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या टेम्परेचर आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम ऐसे 25 किसके बीच में लाए कर रहे हैं, 20 से 30 के बीच में, तो हम लोअर वैल्यू लेंगे 20। ओके, जब 20 है तो 20 ही लेंगे। और ये अब हमारा होता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या इतने में कुछ डाउट है? सिंपल याद रखना, सिग्नल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में बात करें तो वो एक वेरिएशन होता है एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, जैसे कि करंट हुआ या वोल्टेज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिस्क्रीट टाइम, एनालॉग सिग्नल देखा, एनालॉग सिग्नल देखने के बाद हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अब डिजिटल सिग्नल के ही टॉपिक को हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पढ़ रहे होंगे कि क्या इसमें होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। आज मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडिया दिया है। ओके, होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, see again in next lecture. Bye bye, take care.